अभी अभी खबर मिली है कि लाइट जो है जाने वाली है। जी हाँ, और हमको लालच है कि एक रेसिपी फटाफट ख़त्म करें, तो इसलिए जब लालच होता है और टाइम कम होता है और जल्दी से कुछ बनाना होता है तो एक ही चीज़ काम आती है, रवा। तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रा। इससे पहले लाइट चली जाए, एक बढ़िया सा रवे का नाश्ता बना लेते हैं। ओके बाय। म्यूज़िक कॉलिंग एंड एक्शन। वो क्या है ना, जब कुछ समझ नहीं आता ना तो ये सूजी काम आती है, मतलब रवा काम आता है। हैं, अभी अभी खबर मिली है लाइट जाने वाली है, तो हमने कहा निकालो रवा। रेसिपी तो हमने सोची है कि आज तीन बनानी है, तो बनानी है ना फिर। घी, राई, ठीक है, राई के बाद पानी। अब इस पानी में डाली थोड़ी शक्कर, थोड़ा नमक। नहीं, लाइट इसलिए नहीं जा रही कि हम बिल नहीं देते, ये भी क्लियर कर देता हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि भाई बिल नहीं देते तो लाइट तो कटेगी कटेगी। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। अंदाजन आप समझ लीजिए कि जितना पानी उतना रवा। तो ये चटचट इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें घी है ना। जितना पानी उतना रवा। वुडन स्पून लिया, इसको कर लिया मिक्स। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते जाना है, लिटिल बाय लिटिल। ये जो रवा है इसको पानी पिलाते जाना है। नमक, नमक के बाद दो चम्मच दही। एक, दो। दही से क्या होगा, खटास आएगी, खटास, और एक रिचनेस आएगी, थोड़ी घी से थोड़ी दही से। यानी कि जितना रवा उतना पानी और थोड़ा सा और छींटा डालने के लिए, और उसके ऊपर दो चम्मच दही एक कप रवे में। जब अपने आप हाथ में बनने लग जाएगा समझ लीजिए हो गया। पानी का इसको प्यासा रखना है, पूरा नहीं पकाना है इसको। क्यों नहीं पकाना है मैं बताऊंगा आपको। रवा जो है वैसे भी बड़े काम की चीज़ है, हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन 11% के ऊपर प्रोटीन होता है रवे में, रवे को निग्लेक्ट ना करें। वेरी नाइस। देखो जी, कढ़ाई ऐसी एकदम साफ होनी चाहिए। कढ़ाई साफ मतलब आपका रवा जो है बराबर से पक गया है। अभी जो है इस रवे को घोंट लेना है अच्छे से। ये घोंट लीजिए, तो वुडन स्पून से भी घोंट सकते हैं, और वो बेलन होता है ना, बेलन का सिरा, उससे भी घोंट सकते हैं। बेलन को लीजिए और उससे ऐसे ऐसे से घुमा दीजिए, वो भी हो जाएगा। बट चलाना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर का जो ग्लूटेन है वो डेवलप होना चाहिए। जितना गर्म आप हैंडल कर सकते हैं उतना गर्म गूंधिए। ऐसा नहीं है कि आपको भी ऐसे गर्म गर्म ही गूंधना है क्योंकि रणवीर लगा हुआ था, तो लेकिन जितना गर्म में गूंध सकते हैं गूंध लीजिए। वाह, देखिए यहां तक पहुंचाना है इसको, समझे आप। ये देखिए, देखिए रवे का दाना नहीं मरा है, दाना अभी भी रवे का है, लेकिन ग्लूटेन डेवलप हो गया। तो आप इसको ऐसे इतना पतला तक बेल सकते हैं, देखिए, लेकिन दाना नहीं मरा है। ये इसकी मोनोपोली यही है, गर्म पानी में ना ज़्यादा प्यासा रखना है इसको और ना ज़्यादा पानी देना है। लो जी, क्योंकि दही पड़ा हुआ है तो अपने को और कुछ खट्टा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दही नहीं डाल रहे तो इस स्टेज पे आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। जब ये गुनगुना हो जाता है ना तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है। लंबा लंबा रोल करके ऐसे काट लिया, ठीक है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। इस स्टेज में जब ये हैंडल करने लायक हो गया है तब आप इसके अंदर बेकिंग थोड़ा डाल सकते हैं। एक कप आपने रवा लिया है, एक कप रवे के अंदर एक चौथाई से आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे तो सोडा डालने की जरूरत नहीं है। ये लो जी, है ना, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा। ये तो सिर्फ एक बार पका है, इसको अभी एक बार और पकाना है। जो मैं बोला था ना टेक्स्चर, वो टेक्स्चर जो है अब आएगा। चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं, बॉयल करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको लीजिए और हल्का सा गोल करके ऐसे चपटा कर लीजिए, हल्का सा गोल चपटा, ठीक है। कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। ये तो अभी मेरे दिमाग में ये आया, मैंने ये कर दिया।
आप चाहें तो ऐसे इसके ड्रम जो बने हुए हैं ऐसे ड्रम बना के छोड़ सकते हैं इसको, चाहें तो इसके गोले बना सकते हैं, चाहें तो फोर्क से या चम्मच से इसको शेप दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको पूरे के पूरे को आप स्टीमर में भी डाल सकते हैं, ऐसे के ऐसे स्टीम भी हो जाएगा, या फिर झटपट से बॉयल करके भी निकाल सकते हैं। पकाना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि रवा अभी पका नहीं है ना पूरा, रवे को हमने प्यासा रखा है ना। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो गया, देखिए सारे परिवार का नाश्ता भी हो गया, दिखने में भी सुंदर है, और बेस्ट पार्ट क्या है, सुबह के टाइम भी खा सकते हैं और शाम के नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये भी शेप दे सकते हैं आप, देख रहे हैं? और अगर आपको बिल्कुल मतलब कारीगरी दिखानी है कि आज 100 में 100 बना के मास्टर शेफ बनना है, तो ये भी शेप दे सकते हैं आप। ये देखिए, ऐसे पिल्लो भी बना सकते हैं। अभी एक तरफ पानी हमने कर दिया बॉयल, उसमें डाली शक्कर, नमक, शक्कर थोड़ी सी हाँ नाम भर की, और घी थोड़ा सा। देखो जी, एक ही बर्तन इस्तेमाल किया हमने, है कि नहीं है? उसी बर्तन में उबाला, उसी में ये डाल देंगे अब हम बॉयल होने के लिए। देखिए, अगर आपने वो रेशियो प्रोपोर्शन दही का पानी का हमारा वाला रखा है तो नहीं फटेगी। इसको कितनी देर पकाना है, अगला सवाल यही है ना। अगर आपका पानी जो है वो बिल्कुल सिमरिंग बॉयल पे होना चाहिए, सिमरिंग बॉयल में कम से कम 2 से 3 मिनट तक ये पकेंगे, ठीक है? और देखिए मैंने सारे लाद दिया, मुझे ये डर नहीं है टूट जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 2 से 3 मिनट उबालना है, डन, और उसको निकाल लेना है। अब इस पेड़े को आप फ्रीज कर सकते हैं, मेरी गारंटी है हफ्तों हफ्तों कुछ नहीं होगा। ठंडा करके इसको फ्रीज कर लीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप इसको गर्म पानी से छान के निकालें, उसके बाद कम से कम 5-7 मिनट छोड़िए। गर्म बहुत नाजुक होता है, जल्दी टूटेगा, एक बार वो ढल जाएगा ना बाद में अपनी शेप पकड़ लेगा तो अपने आप स्पंजी हो जाएगा। ये देखिए, अभी स्पंजी हो गया ना एकदम फर्स्ट क्लास। फ्रीजर से निकालने के बाद क्या करें? फ्रीजर से निकालने के बाद या तो माइक्रो मार दें सीधा, या फिर वापस गर्म पानी में डाल के निकाल लें, ये भी बता दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फ्रिज में डाल के आ रहा हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं, और 3 मिनट बाद अपना मामला रेडी। 8 बजने वाले, 8 बजे लाइट चली जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने 2 किस्म की मिर्च ली, कड़ी पत्ता लिया, धनिया लिया, इसके साथ में ये दालें ली, उड़द, चना, थोड़ी मूंगफली ली, और ये हमारा तड़का रेडी है। बाद में ऊपर से डालने के लिए हमने वो मिंट और धनिया रेडी रखना है, बस दैट इज ऑल। और मजा ना आए पैसा वापस। ये देखिए, सिर्फ 2 मिनट उसको छोड़ा है फ्रिज में, अभी भी गर्म है, लेकिन उसने अपनी शेप पकड़ लिया। ये पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। गरम गरम में उसके साथ बदतमीजी ना करें, आपको लगेगा अरे ये तो ओवर कुक हो गया, ओवर बॉयल हो गया। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। देखिए, इसमें कांदा उर्फ प्याज भी जा सकता है, हाँ, चॉप करके। मैं क्यों नहीं डाल रहा, ऐसे मन नहीं कर रहा, कोई ऐसा टिपिकल कारण नहीं है। जिंजर इंजर से फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, मतलब आप टेंशन मत लीजिए फ्लेवर की, कांदा डालना है डाल लीजिए, जूसीनेस आ जाएगी, और क्या। जैसे ही अपना तेल घी रेडी हो, उसमें राई और जीरे का मिश्रण, उससे पहले उड़द, मैं यहाँ गोटा उड़द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपके पास है तो यूज़ करिए, बड़ी अच्छी है। साथ में चना दाल, दालें पहले ऐसे डालेंगे, दालों को पकने में वक्त लगेगा, राइट, 30 सेकेंड तक पकेंगी दालें, फिर उसमें हमने डाला जीरा और राई। इधर से जीरा राई पकेगा, उधर से दालें एकदम नटी हो जाएंगी, नटी। ये लीजिए, जैसे ही दालें हो गई नटी, वैसे ही डाल, नटी मतलब नटी ब्राउन, मतलब लाइट ब्राउन, कॉफ़ी कलर। इसके बाद हमने डाला कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ब्यूटीफुल हो गया। इसमें अब डाले पीनट्स, काजू भी डाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है,
और थोड़ा सा पानी स्टैंड बाय रखें ताकि मामला ओवर कुक ना हो। हल्की सी हल्दी, एकदम टिच सी, नो प्रॉब्लम। पानी का छींटा थोड़ा सा, मैंने बोला था ना स्टैंड बाय रखिए। क्या नाम रखें इनका? सूजी के गुलगुले। सॉल्ट, थोड़ी सी शक्कर। ये सॉल्ट और शक्कर वाला मामला जो है ना, अगर आप नाश्ते के लिए बना रहे हैं थोड़ी शक्कर डाल लीजिए, अगर आप प्याज डालना चाहते हैं प्याज डाल दीजिए, अगर टमाटर डालना चाहते हैं टमाटर भी स्टेज पे डालिए ताकि टमाटर पक भी जाए और जूसी भी रहे। हैं होए होए होए, वाह गुड जॉब रणवीर। अगर मैं इसको शाम को 4 बजे खा रहा होता ना, तो मैं इसके अंदर डाइस टमाटर डालता और प्याज भी डालता। सुबह के टाइम अगर आप सुबह वाले नाश्ते में खा रहे हैं तो फिर एक काम करिए, ये टमाटर और प्याज मत डालिए। सुबह जो है कंफर्टेबल रखिए उसको, और दालें भी कम डालिए। हाँ, अदरक हरी मिर्च और कड़ी पत्ते के साथ खेलिए। लो जी, ढक दो। मुझे पता है बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि रणवीर तुमने तो ये बना दी, क्या बोलते हैं उसको, न्योकी, उपमा न्योकी है, ये तो मतलब इडली की है। देखो, अगर आपको लगता है कि न्योकी इडली की है तो आप थोड़ा सा भ्रम में हैं। सेम चीज़ दक्षिण भारत में राइस फ्लावर के साथ बनाई जाती है, बोला जाता है अंडे, छोटे छोटे बेबी, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेल एग की तरह अंडे बनाए जाते हैं, उनको तड़का लगाया जाता है। कब से बन रहे हैं वो? न्योकी के बनने से पहले से। तो पहली चीज़ तो हम ये भूल जाते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ, फेमस किसने किया वो अलग बात है, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ वो हम भूल जाते हैं। तो ये याद रखिए कि जिसने फेमस किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वहीं की है। धनिया पुदीना, ये हल्का सा लेमन जूस। अरे एक और बहुत कमाल की चीज़ होती है इसमें, पता है क्या? चीज़, चीज़ ग्रेट करिए ऊपर से ऐसे लॉट्स एंड लॉट्स, तो मजे लीजिए। मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, अरे फिर तो न्योकी होगी, अभी समझाया था। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। देखो टूट रहा है कुछ भी नहीं टूट रहा ना, कैसे टूट जाएगा? क्योंकि हमने प्रोपोर्शन सही रखा है, हमने पकाया सही समय तक है, हमने सूजी को समझा है और सूजी की प्यास को समझा है और उसको प्यासा रखा है। जब तक कि हम ना चाहें तब तक सूजी की प्यास नहीं बुझनी चाहिए। दैट इज द मोनोपोली ऑफ दिस डिश। ठीक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपमा का उपमा, मसाला इडली की मसाला इडली, झटपट का झटपट, फटाफट का फटाफट। क्या है वो? ऐसे बनाए सूजी का झटपट नाश्ता। ये नारियल है, ऑप्शनल है। एक फेज गया, इससे पहले दूसरा फेज चला जाए, फोटो वोटो खींच लीजिए और हम खा लेते हैं। चीज बढ़िया बनी, लेकिन देखिए एकदम स्पंजी स्पंजी, वाह। मैंने लाइट जाने से पहले बना लिया है ना, मैंने अपने प्रॉमिस पूरा किया। खाते खाते बोल रहा हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए लाइट जाने से पहले। थैंक यू। पहली बार बनाया मैंने, क्या बनाया सच्ची कसम से।